इंटरनेट कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड बोर्ड प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एंड इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज याद कैसे करें, बस पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, बस अपना थोड़ा सा टाइम इस पे दे दो, देन आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा या ट्रिक कैसे याद करें ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कैटरीना को आप जानते हो? मे भी आप लोग मे भी क्या ऑफ कोर्स जानते ही होंगे, एक्ट्रेस है, बहुत फेमस एक्ट्रेस है। तो उसी के एग्जांपल से उसी का विश रहता है एक कार का, लेकिन वो कार उस कंपनी का कार उसको नहीं मिल पाता है, दूसरा कार मिल जाता है। एक कहानी को रिलेट करते हुए इस ट्रिक को देखते हैं। पहले ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है क्रियाशीलता श्रेणी, ये होता क्या है? ये कुछ मेटल्स के ग्रुप होते हैं, धातु के ग्रुप होते हैं, जिसमें हम लोग एक सीरियल वाइज मेटल्स को रखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जो फर्स्ट में आपको के दिख रहा है दैट इज पोटेशियम, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सबसे पावरफुल है। ये सबसे ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सबसे, अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो क्या करेगा, दूसरे कमजोर को साइड कर देगा। अक्सर सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है, क्लास में भी अगर देखो, अगर ज्यादा एकदम पावरफुल स्टूडेंट आ जाए जिसको देख के सबको डर भी लगता हो, एकदम गुंडा टाइप से इंसान, तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो आएगा फटाफट उसका जहां भी अगर वो बोले भी किसी को साइड होने तो वो आराम से दुबक के साइड होके चला जाएगा, है ना। उसी टाइप में यहाँ भी रिएक्शंस कि कौन सा रिएक्शंस होगा, कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, किसको अपने जगह पर से उसको साइड कर पाएगा और खुद जगह ले पाएगा उसमें, वही बताएगा ये क्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कैटरीना के ट्रिक्स है। कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार, अल्टोजन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली, प्लैटिनम एंड सिल्वर और प्लैटिनम, मतलब चांदी और प्लैटिनम का कार्ड क्यों मिल जाता है उसको, उसी से जो 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 फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर मीन सिंबल, कोई कोई ही है जो सिंबल से नहीं है, जैसे मिली तो मरकरी, ऐसे समझना, याद हो जाएगा आपको। बार बार इसको देखोगे किस तरीके, जैसे कैटरीना से के, ने से एने, कार्ड तो सी ए, कैल्सियम सिंबल तो याद है ना नेम के साथ, मांगी एम जी मैग्नीशियम, अल्टोजन अल्टोजन अलग अलग है, एल जेन का जेड और एन ले लिए, किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे पावरफुल जो एलिमेंट्स है पोटेशियम एंड लिस्ट पावरफुल प्लैटिनम गोल्ड, ये सारा जो है लिस्ट पावरफुल है, लिस्ट स्ट्रॉन्गर है अगले वाले से, ये समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड किस तरह से आपको जब कौन सा रिएक्शन नहीं रटने का जरूरत होगा, पता खुद ब खुद चल जाएगा आपको। तो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बता ही दिया गया कि किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो उसको। ये क्या है कि आयरन को हम लोग कॉपर क्लोराइड में डाल रहे हैं तो ये रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन कब होगा, जैसे यहां देखो सेकेंड में रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा, हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि आप जब रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें क्या पता चलेगा कि फेरस जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, जो तुरंत किसी से रिएक्ट कर जाता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को साइड कर देगा, बोलेगा हटा मेरे सीट पर से, और ये जाके अपना जगह ले लेगा, तो बनाएगा क्या FeCl2 और CU, बाहर निकल जाएगा बेचारा, दुबक कर बैठ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जिंक और मैग्नीशियम, जब आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे ना तो पता चलेगा कि मैग्नीशियम जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है जिंक से, जिंक से मतलब पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा तुरंत क्रिया कर लेता है किसी भी कंपाउंड के साथ, किसके तुलना में जिंक से, इसलिए ये क्या होगा, ये जो जिंक जो है मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा। अब कोई भी दुबका हुआ स्टूडेंट, कोई भी स्लिम बॉडी स्टूडेंट पावरफुल स्टूडेंट को हटा सकता है क्या, नहीं। उसी तरीके से यहाँ भी रिएक्शंस नहीं होगा तो कहाँ रिएक्शन होगा, कहाँ नहीं होगा, किस तरीके से एटम कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट्स को हटा पाएगा, इसलिए हम लोगों को जरूरी होता है क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ने का। एंड ये देखो, ये NCERT बुक का जाना माना क्वेश्चंस, क्या कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, जो ब्लू कलर का होता है, आयरन मतलब कोई भी किल ले लो, कांठी ले लो, अगर उसको हम डालते हैं तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का ब्लू रंग जो होता है वो फेड हो जाता है और ये कौन सा अवक्षेप बना लेता है, और जो किल के ऊपर जो आ जाता है, किसका परत आ जाता है, वही FeSO4 बनाता है और कॉपर साइड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फेरस जो है दैट मीन्स आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से,
इसलिए तो आपको समझ में आया, मे बी आपको अच्छे से समझ में आया होगा रिएक्टिविटी सीरीज। आप इसके बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस आप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो। अगर टेंथ में टॉपर बनना है तो तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आप कमेंट जरूर करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।